हेलो दोस्तों, मैं हूं सोहन और आप देख रहे हैं पटवा गार्डनिंग। आज मैं आपको सैकुलेंट के विषय में बात करूंगा आपसे। ये लक्ष्मी कमल का फूल है। आज आपको इसे कैसे लगाना है और इसके लिए मिट्टी कैसी होना चाहिए, पानी कब देना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इस प्लांट के लिए मिट्टी भुरभुरी बनाएं, मिट्टी और रेत की मात्रा अधिक रखें और इसमें कोकोपीट ना मिलाएं। कृपया, कोकोपीट से फंगस का डर रहता है, इसकी जड़ें सड़ने का डर रहता है, इसलिए कोकोपीट ना मिलाएं। देखिए, और कोई इसमें खाद देने की आवश्यकता नहीं रहती है, वैसे ही ये अपने आप बढ़ते जाते हैं। और मेरे पास 2 साल से ये पौधे हैं और को बढ़ाते ही जा रहा हूँ मैं, काफ़ी हो गए हैं मेरे पास। और मैंने तो गिफ्ट भी दिया हूँ पड़ोस में और मेहमानों को गिफ्ट भी दिया हूँ, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ये है लक्ष्मी कमल, ये सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है और इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। इसके लगाने के आसान तरीके हैं और इसे आप अवश्य लगाएं। ये पत्तियों से भी लग जाता है और इसका फूल निकाल करके आप उसको भी लगा सकते हैं। इसकी नीचे की पत्तियां आप तोड़ लें और इसे मिट्टी में ऐसे इस टाइप से लगा दें। ये देखिए, मैंने लगभग 1 महीना पहले इसको लगाया था और ये सभी की ग्रोथ आ गई है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर इसमें ग्रोथ आई है। इसे आप अवश्य लगाएं और ये बढ़ते ही जाता है। अब इसको लगाते जाएं, निकालते जाएं, इसकी पत्तियां सूखती भी हैं, इसलिए इनको निकालना भी ज़रूरी होता है, रिपोर्टिंग करना भी ज़रूरी होता है। ये 2 महीने का रिजल्ट है। ये 2 महीने बाद इस तरह इतना बड़ा साइज आ जाएगा। सैकुलेंट में अनेकों वेराइटियाँ हैं। ये मेरे पास एक और वेराइटी है, ये इसको भी मैंने सही पत्ती लगा दिया हूँ, टूट रही थी तो मैंने इसे इस टाइप से लगा दी। एक ये वेराइटी है, इसका फूल मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका फूल है, इसे भी लक्ष्मी कमल ही कहते हैं। इसकी पत्तियाँ छोटी रहती हैं और ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लगभग इतना ही बड़ा साइज आएगा। इसे मैंने अभी रिपोर्ट किया है, इसके नीचे के पत्तियां सूख गई थी और इसको मैंने अभी रिपोर्ट किया है। इसमें ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है, भुरभुरी मिट्टी में इसे लगा दें और ज़्यादा इसको खाद की आवश्यकता भी नहीं होती है, सिर्फ पानी कम देना होता है। इसके कुछ 2 बेबी प्लांट भी निकले थे तो वो मैंने इसको इसमें लगा दिया हूँ। ये देखिए, एक ये है और एक ये है। एक ये वैरायटी भी है मेरे पास में सैकुलेंट की, एक ये है। इसके भी साइड से बेबी प्लांट निकल रहे हैं, इसको भी मैं रिपोर्ट करूँगा। देखिए, इसके साइड से बेबी प्लांट निकले हुए हैं, इसके बहुत हो जाएंगे। एक ये वैरायटी है मेरे पास में, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और एक ये है, बहुत ही सुंदर इसका फूल दिखते हैं। इसी को मैंने, इसके कुछ नीचे के पत्ते निकल रहे थे तो इसको अभी लगाया। एक ये वैरायटी है सैकुलेंट की, एलोवेरा जो सही है। ये लगभग 3 साढ़े 3 महीने का रिजल्ट है। ये साइज इतना आ गया है इसका। जब ये फूल ज़्यादा हो जाए तब तो आप कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने ये पुरानी बाल्टी को काट करके और इसमें लगाया है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है।
बहुत बड़े बड़े फूल हो गए। एक मैंने ये भी बनाया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। एक बार और दिखाता हूँ आपको मैं, ये बहुत ही सुंदर। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले और किसी वीडियो में।